मध्य प्रदेश नर्सिंग कॉलेज घोटाला मामले में एक नया मोड़ आ गया है। रवि परमार का एक स्टिंग वीडियो सामने आया है, जिसे भाजपा के मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने शेयर कर कांग्रेस पर हमला बोला। रवि परमार का वीडियो वायरल होने के बाद जहां कांग्रेस बचाव में उतरी है, वीडियो के वायरल होने के बाद कांग्रेस ने वायरल हो रहे वीडियो को AI से बनाया हुआ बताया। वहीं विसल ब्लोअर रवि परमार ने वीडियो जारी करते हुए अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि दबाव, प्रभाव और प्रलोभन से काम नहीं बना तो मुझ पर साइबर अटैक किया जा रहा है। AI का उपयोग करके एक कूट रचित फर्जी वीडियो जारी कर पूरे मामले को मोड़ने की असफल कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी अब अपनी राजनीति के निचले स्तर पर फिर उतर आई है। जिस तरह से फर्जी वीडियो बनाकर AI के माध्यम से वीडियो बनाकर जब वो मुझे धन बल और बाहुबल के माध्यम से नहीं डरा पाए, नहीं इस मामले को दबा पाए, तो अब साइबर अटैक के मामले से इस पूरे नर्सिंग घोटाले के मामले को असफल प्रयास कर रहे हैं दबाने का। और जिस तरह से इस नर्सिंग घोटाले में मैंने लड़ाई लड़ी है, मैं पिछले 4 सालों से लड़ाई लड़ रहा हूं, जेल तक गया, 10 से 20 से 50 हजार तक के बोन तक भरे, लेकिन मैंने ये लड़ाई नहीं छोड़ी। और ये नर्सिंग छात्रों की लड़ाई है और ये लड़ाई मेरी हमेशा जारी रहेगी, ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी।